पंजाब दी मान सरकार दे वलों वड्डा ऐलान कर दिता गया है। जी हाँ, वड्डी खबर सामने आई है जिथे भगवंत मान सरकार दे वलों जिहड़ी है मुफ्त राशन स्कीम दा जिहड़ा ऐलान किया गया सी उस संबंधी वड्डी खबर सामने आई है, जिथे पंजाब दे आम अते गरीब लोगों नूं घर घर राशन स्कीम लई अजे होर उडीक करनी पवेगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री मान सरकार वलों 1 अक्टूबर तो शुरू की जाने वाली यह घर घर राशन पहुँचाने की स्कीम नूं एक बारी वापस ले लिता गया है। जी हाँ, इतने हालांकि घर घर राशन पहुँचाने की इस स्कीम नूं पंजाब सरकार दे वल्लों अजे तक भी लागू नहीं किया गया सी, जिस पिछों सरकार ने स्कीम वापस ले ली है। जी हाँ, वड्डी खबर सामने आई है, वड्डा झटका लग्या है इतने सूबा वासियां नूं, क्योंकि जिहड़ी है काफ़ी समय तो जिहड़ी है इस संबंधी जिहड़ी है लोगों नूं उड़ीका सन, क्योंकि उन्हां नूं जिहड़ा है लाइना विच खड़े नहीं होना पवेगा। पर इसे विचाले भगवंत मान सरकार दे वल्लों हुण इक वड्डा बयान जारी कर दिता गया है, वड्डा ऐलान कर दिता गया है कि जिहड़ी घर घर मुफ्त राशन वंडण दी जिहड़ी स्कीम सी उस ते रोक लगा दिती गई है। जी हाँ, वड्डी खबर सामने आई है, इसते निराशा होई है गरीब वर्ग के लोगों नूं, मर्ग वर्ग के लोगों नूं, क्योंकि इतने पंजाब सरकार दे वल्लों शुरू की जाने वाली 1 अक्टूबर में यह स्कीम शुरू की जानी सी उसते रोक लग चुकी है। जी हाँ, एक खबर आई है कि हालांकि घर घर राशन पहुँचाने की इस स्कीम नूं पंजाब सरकार वल्लों अजे तक भी लागू नहीं किया गया सी, जिस पिछों सरकार ने स्कीम वापस ले ली है। जी हाँ, स्कीम नूं वापस लैन बारे हुण भगवंत मान सरकार का एक वड्डा बयान सामने आया है। सरकार का कहना है कि इस स्कीम नूं हुण तब्दीली करके मुड़ लैके आवांगे अते लोकां नूं घर घर राशन पहुँचावांगे। सरकार का यह भी कहना है कि जिन्हां लोकां नूं स्कीम बारे कोई शक है वह भी दूर किए जाएंगे अते छेती ही अधिकारियों के नाल मीटिंग करके इस स्कीम नूं लागू किया जाएगा। सरकार दे वल्लों बयान विच यह भी कहा गया है कि घर घर राशन नाल डिपू होल्डरां नूं कोई नुकसान नहीं होगा, जिस लई डिपू होल्डरां नाल भी मीटिंग की जाएगी। सरकार वल्लों आटा दाल स्कीम दे विच मुड़ लागू करन तो पहला हुण सारे ही जिलियां दे डिप्टी कमिश्नर्स नूं एक चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी दे राही नीले कार्ड धारकां दी जांच करन दे लई कहा गया है। बकायदा तौर पर सरकार ने कहा है कि जिहड़े कार्ड धारक योग नहीं ने पर सियासी पार्टियां वालों चोणां दे मद्देनज़र उन्हां दे कार्ड बनाए गए उन्हां नूं रद्द किया जाए। जिक्र खास है कि खुराक सिविल सप्लाई अते खपतकार मामलों बारे मंत्री लाल चंद कटारू चक ने इस तो पहला एक कॉन्फ्रेंस विच दस्या सी कि सूबा सरकार इस साल 1 अक्टूबर तो आटा दी होम डिलीवरी नूं जिहड़ी सेवा है इसकी शुरुआत करेगी। इस योजना सूबे भर में इको पड़ा दे विच लागू किया जाएगा अते पूरे सूबे नूं इस लई 8 जोनां विच वंड भी लिया गया है। इत्थे भगवंत मान सरकार ने हुण घर घर आटा दाल स्कीम दे विच बदलाव करन दा फैसला किया है। सरकार दे वल्लों घर घर राशन पहुँचाने की स्कीम नूं एक बारी वापस ले लिता गया है। आप सरकार का कहना है कि इस स्कीम नूं हुण बदलाव दे नाल मुड़ लागू करांगे अते लोकां नूं घर घर राशन पहुँचावांगे। इस दे लई लोकां नूं घर घर राशन स्कीम दे लई अजे होर इंतजार करना होवेगा। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने इत्थे बयान भी साझा किया अते दस्या कि पंजाब दे विच जिन्हां लोकां नूं आटा दाल स्कीम का लाभ मिल रहा सी उन्हां लोकां नूं कणक घट मिलण, खराब कणक जां फिर अजिहे कार्ड होल्डरां नूं जो स्कीम दे योग ना होण दीआं शिकायतां मिल रहीआं सन, जिस ते कार्रवाई करते हुए सरकार ने यह बदलाव कर दिता सी। राशन लाभपात्रियां दे घरां तक पहुँचाया जाएगा। इत्थे मंत्री लालचंद कटारू चक ने अगे ये भी दस्या कि सरकार इस स्कीम नूं जल्द ही बदलाव दे नाल लागू करेगी। इस संबंधी जिहड़ी है जल्दी ही अधिकारियों नाल एक मीटिंग भी की जाएगी। लोगों नूं घर घर आटा मिलेगा अते डिपू होल्डरां दा कोई नुकसान नहीं हो दिता जाएगा। यह पंजाब सरकार दे वल्लों आख्या गया है, सूबा सरकार दे वल्लों आख्या गया है, जिन्हां नूं खदशा है कि उन्हां दे खदशे भी दूर होणगे। अते दस देणी है कि भगवंत मान सरकार ने 1 अक्टूबर तो घर घर आटा पहुँचाने की स्कीम नूं लागू करन दी तैयारी कर ली सी। उन्हां अगे यह भी दस्या कि सरकार ने नीले राशन कार्ड संबंधी भी अहम फैसला लिता है। उन्हां दस्या कि इस संबंधी सारे ही जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स नूं पत्र लिखा गया है। इन्हां राशन जिहड़े ने नीले कार्ड धारकों की जाँच होनी चाहती है, जेकर कोई इस मामले में योग नहीं है तो उस दा नीला कार्ड कटिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जेकर डिपू होल्डर किसी चीज़ तो कोई प्रॉब्लम है या परेशानी है तो उन्होंने नाल भी गलबात बकायदा तौर पर की जाएगी।
उन्हां दी प्रॉब्लम दा हल भी कढ़िया जाएगा। पर इस स्कीम तो जिहड़ी है असी पिछे नहीं हटांगे, इह सूबा सरकार दे वल्लों आख दिता गया। इह स्कीम कुछ महीने बाद एक बार फिर तो पंजाब दे लोकां दे सामने लैके आणगे अते सारे लोकां नाल गलबात करन तो बाद हाई कोर्ट के जरिए ही यह स्कीम लियांदी जाएगी। यह सूबा सरकार दे वलो अपने बयान दे विच आख दिता गया। पंजाब सरकार ने घर घर आटा दाल स्कीम नूं लैके वड्डा फैसला लै लिता है। मिली जानकारी नाल दस दें कि हुण राशन स्कीम दे विच बदलाव होणगे। सरकार ने हाई कोर्ट विच दायर हल्फनामे विच यह जानकारी सांझी कीती है, हुण जनतक कर दिती है। सो तो बाद यह स्कीम मुड़ तो लागू की जाएगी। सूबे दे विच इस स्कीम ते हाई कोर्ट ने डिपू होल्डर की पटीशन ते रोक लगा दी सी। इस संबंधी जानकारी दिंदिया कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक का भी एक बयान सामने आ चुके है। सरकार इस स्कीम नू जल्द ही पर बदलाव दे नाल जल्द लागू करेगी, यह कहा गया है। सूबा सरकार दे वलों बकायदा तौर पर मंत्री दे वलों कहा गया है इस संबंधी जल्द ही अधिकारियों नाल एक मीटिंग भी बकायदा तौर पर की जाएगी। लोगों को घर घर आटा मिलेगा और डिपू होल्डर का भी इतने उन्होंने मुनाफा होगा। जिन्हों खदशा है कि उन्होंने खदशे भी इतने सूबा सरकार दे वलों आम आदमी पार्टी सरकार दे वलों दूर किए जाएंगे। ये सूबा सरकार दे वलों इतने आग दिता गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नीले राशन कार्ड संबंधी भी जोड़े अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंधी जोड़े सारे ही जिले के डिप्टी कमिश्नर ने उन्होंने पत्र बकायदा तौर पर लिखा गया है। इन्हों राशन नीले कार्ड धारकों की जाँच भी इतने होनी चाहिए है। जेकर कोई इस मामले में योग नहीं है तो उसका नीला कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। सो ये वड्डी खबर भी इतने दिती गई है कि जेकर कोई भी नीला राशन कार्ड जिहड़ा कि इसके योग नहीं होगा उसका बकायदा तौर पर वह राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। सो जिहड़े फर्जी जिन्होंने फर्जी राशन कार्ड बनाए हुए ने उन्होंने इतने वड्डा झटका लगेगा, क्योंकि इतने एक घर के काफ़ी राशन कार्ड बनाए होंगे ने। सो जिहड़ी है सरकार उन्होंने सारे ही इन्हों का मुआयना करेगी, सारे ही इन्हों की जाँच पड़ताल करेगी कार्डा की। जिहड़े योग ने उन्होंने योग में रखा जाएगा, जिहड़े अयोग ने उन्होंने अयोग कैटेगरी में रखा जाएगा। सो इस विचाले जिहड़ा है सरकार दे वल्लों पंजाब सरकार ने 1 अक्टूबर तो जिहड़ा है घर घर आटा पहुँचाने की योजना लागू करने की तैयारी कर रही थी। तो पंजाब सरकार के वलों भी BPL कार्ड धारकों को मुड़ जिहड़ा है मुफ्त अनाज स्कीम के नाते वंडी जा रही कणक घट मिलन, खराब कणक या फिर अजिहे कार्ड होल्डर जो स्कीम के योग ना होने दी शिकायत मिल रही सन, जिस पर कार्रवाई करते हुए CM मान ने यह बदलाव कर दिया से कि वह पहला वाग कणक लैना चाहते हैं ज सरकार की नवी स्कीम तहत आटा सप्लाई करना चाहते हैं। 1,42,00,000 लाभार्थियों आटे की सप्लाई शुरू होनी सी। सो इस विचाले ये सप्लाई हुण इत्थे बंद हो चुकी है, इत्थे रोक लग चुकी है आटा दाल स्कीम ते, क्योंकि सरकार दे वलों ऐलान कर दिता गया है कि जब तक इसका कोई निपटारा नहीं होता तो सूबा सरकार दे वलों मुफ्त घर घर राशन वंडन की जिहड़ी स्कीम ते जिहड़ी है इत्थे वापस लै लीती गई है सूबा सरकार दे वलों। ते हाई कोर्ट दे विच फिलहाल यह केस चल रहा है, तो जदों उसका निपटारा उत्थों मानयोग अदालत तो होगा तो उस तो बाद पंजाब सरकार इसका अनाउंस कि यह घर घर आटा राशन स्कीम वंडन की जिहड़ी है कद तो यह शुरू होगी, कद तो यह लागू होगी। बाकायदा तौर पर पंजाब सरकार दे वलों इसका ऐलान किया जाएगा।